वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। निडर, बेबाक, दबंग, माफियाओं को दिन में तारे दिखाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीच भाषण में अब एक और ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। आखिर भाषण देते देते ऐसी नौबत क्यों आई कि सीएम को ऐसा बयान देना पड़ा? सीएम का इशारा किसकी तरफ था, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मंगलवार को सीएम योगी लखनऊ में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने के लिए पहुंचे। यूं तो इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर बात रखी, लेकिन फिर उन पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया और कहा कि मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। का भाव जो उत्तर प्रदेश को निरंतर पीछे धकेलना था, नौकरशाही के बैरियर जो उत्तर प्रदेश के विकास में वह पहिया बनने की बजाय वह बैरियर बनकर के खड़े हो जाते थे, संगठित अपराध जो उत्तर प्रदेश को एक भय प्रदेश बनाने के लिए पर्याप्त था और किसी भी स्तर पर कोई न सुनवाई होना, नए उद्योग की बात तो दूर थी, जो मौजूदा थे वे भी प्लान करने के लिए उतावले दिखाई देते थे, इंडस्ट्री बंद हो रही थी, एक एक करके लोग बाहर का रास्ता निकाल रहे थे, जाने का रास्ता तलाश रहे थे। उन स्थितियों में मैं कार्यक्रम में तो गया था, उस समय के मुख्य सचिव और उस समय के आईटीसी मेरे साथ में थे और उस समय मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हमें बोलना क्या चाहिए, और कहा साहब सब ऐसा होता है, मुख्यमंत्री आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, जो होना होगा तो होता ही रहता है। तो मैंने कहा भी ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज अब 6 वर्ष के बाद हम सब यहां पर मिल रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि फिक्की अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ 38 वर्षों के बाद लखनऊ वापस आई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी उपलब्धियों के साथ आपके सामने है। सीएम योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में जो जवाब दिया उसकी कायल यूपी की जनता हो गई। सीएम योगी ने अपने इस बयान को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उसका कैप्शन भी यही दिया कि मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। वैसे इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपराध पर भी बात की और इसे कम करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है उसका जवाब भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी स्तर पर निवेश के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं, सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम आज एकदम जीरो पर है, यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता, कोई यहां किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता, कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या हां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता, जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की उद्योग जगत की उन अड़चनों को, चाहे वह माफियाओं से जुड़े हुए मामले रहे हों, पेशेवर गुंडों और राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले गुंडों का मामला हो, इन सब से मुक्त होकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो नई रैंकिंग है उसमें उत्तर प्रदेश के स्थान को आप अनुभव कर सकते हैं और अपने आप में उत्तर प्रदेश ने इस दौरान एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित करके 64,000 हेक्टेयर लैंड को भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त करवा करके अपने इंडस्ट्री के लिए एक लैंड बैंक बनाने का भी कार्य प्रारंभ किया है। तेजी के साथ आगे बढ़ता है उत्तर प्रदेश, आज आप सबके सामने है। सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल योगी के इस आक्रामक रवैये पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए जब मैं चित्रकूट में गया तो मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों की एक बैठक की। ऐसे ही मैं रात्रि को वहां रुका था, एक दो कमरे का गेस्ट हाउस था वहां पे, तो प्रशासन को संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कभी मैं तो कहीं भी रुक जाऊंगा, मेरे लिए तो एक तख्ता चाहिए, हम उसी में ले जाएंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं। मैं रात्रि को रुका, मैंने रात्रि को ही बुलाया लोगों को और मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आखिर ये चित्रकूट विकास क्यों नहीं कर रहा है? आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम यहां आए होंगे और यहां पे देश और दुनिया आना चाहता है, विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो बंद कमरे में थे हम लोग, उन्होंने कहा देखिए बंद कमरे में हम बोल दे रहे हैं, यहां कुछ डकैत हैं जो अपहरण करते हैं और हम लोग भी किसी प्रकार से अपनी पूंजी बचा करके रखते हैं, इसलिए अपना विस्तार भी नहीं करते। तो मैंने कहा अगर डकैतों का सफाया हो जाएगा तो क्या यहां निवेश होगा? लोगों ने कहा उससे होगा। मैंने कहा मैं अगली बार तभी आऊंगा जब डकैतों का पूरा सफाया करके आऊंगा और घबराइए मत। और आज मुझे बताते हुए सुनता है, मैं अगली विजिट में जब गया 6 महीने के बाद, तब तक वहां से सभी डकैतों का सफाया हो चुका था। आज वहां पे चित्रकूट में या बुंदेलखंड में कोई डकैत नहीं है, कोई डकैती नहीं पड़ती, कोई अपहरण नहीं कर सकता, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। आज वहां निवेश हो रहा है, अच्छे अच्छे उद्योग आ रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़ चुका है, वहां पर एयरपोर्ट का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है, बहुत शीघ्र हम एयर कनेक्टिविटी वहां देने जा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने एक नए विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। बैंक, मैं जब आया था तब उत्तर प्रदेश की 42-43 जीडी रेशियो था बैंक का, जितने बैंकर्स थे, जब मैं उनके साथ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक करता था मैं अक्सर देखता था, हम लोग जब भी उनसे चर्चा करते थे कि क्या है उत्तर प्रदेश की स्थिति, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 56% तक पहुंच चुका है और बहुत शीघ्र हम इसको 60% तक ले जाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक के डाटा आंकड़े आए हैं वे समझने के लिए पर्याप्त होंगे कि उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये चीजें दिखाती हैं एक सकारात्मक दिशा उत्तर प्रदेश के अंदर है, इंडस्ट्री के लिए एक अनुकूल अवसर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी भी राज्य ने इस सदी की इन 6 वर्षों में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना करते हुए भी आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 25 करोड़ की आबादी है हमारी, हमें हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे पास स्टेट के पास भी रेवेन्यू सरप्लस है और उत्तर प्रदेश अपने बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है।